ज़्यादा खुश हूँ, ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त रही है और मैं इससे एक बार भी नहीं मिली हूँ। मैं आज इससे पहली बार मिल रही हूँ, सिर्फ हम लोग फ़ोन पे बात किया करते थे व्हाट्सएप पे, और इसने एक बार मेरी हेल्प कर दी थी तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा जाना चाहिए बिकॉज़ मैं पुरानी चीज़ें नहीं भूलती। क्या तुम तो मेरी हमेशा तारीफ़ करोगे, ये तो बहुत बेस्ट है मेरे लिए। सी आई लव नाइटी, और ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, सिर्फ समर हो, विंटर हो, मॉनसून हो, कुछ भी हो, अर्शी खान सिर्फ नाइटी पहनती है और मुझे सिर्फ नाइटीज ही पसंद है। ओके, जैसे कि नाइटी ब्रांड ऐप नहीं होगा, मैं नाइटी ब्रांड जो है अपना लॉन्च करूँगी, और ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ऑनलाइन करें, मेरे बड़े बड़े स्टोर्स होंगे इंशाल्लाह। मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ सलमान साहब की बेल हो गई, और मैंने कितनी दुआएं की हैं और बड़ी, अपने जितने भी मेरे फैंस थे उनसे मैंने बोला कि प्लीज़ आमीन बोलते जाओ, जितनी हो सकता किसी ना किसी एक बंदे की दुआ कबूल हो जाए, और हो गई और वो वापस आ गए। देखिए वो कपिल की सोच है और वो कुछ भी कर सकते हैं और सबका अपना अपना है, लेकिन कहीं ना कहीं होता है कि इंसान डिप्रेशन में होता है और कुछ ना कुछ ऐसी गलत चीज़ें कर जाता है, तो मैं कपिल को गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन थोड़ी सी तुम लोग भी रियायत बरत दो। कभी कभी क्या होता है ना, कोई इंसान डिप्रेशन में और उसके बारे में कुछ गलत न्यूज़ आती है तो फैमिली का भी बहुत प्रेशर होता है, सब चीज़ें रहती हैं, तो वो कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ गलत हो जाता है तो इंसान किस पे गुस्सा निकाले, वो रिपोर्टर्स पे ही गुस्सा निकाल दिया। तो लोगों का कहना है कि उनके डिप्रेशन में आने का उनके जो मैं प्रीति को नहीं जानती, आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती, और मुझे खुद अपनी मेरी जो मेरी टीम की है उन्होंने बताया प्रीति के बारे में, आज कुछ एक्सप्लेन किया, मैं वाकई में प्रीति के बारे में कुछ नहीं जानती, मुझे अभी पता चला उनकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम प्रीति है। मैं कुछ भी पहन सकती हूँ, मेरे मूड पे डिपेंड है, आप लोगों ने बिग बॉस में देखा होगा, मैं कभी भी इतना ज़्यादा वो नहीं रहती कि अरे मुझे यही चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं कुछ भी कभी भी साड़ी पहनकर निकल सकती हूँ, कभी अनारकली में निकल, मेरा मूड है, मैं कभी क्लबिंग करने जाती हूँ तो वहाँ पर लहंगा पहन के चली जाती हूँ, मेरा मूड है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैं सलमान को सपोर्ट करती हूँ, समाज में से आपको थ्रेड आता, आपको धमकी आती तो आपका क्या उनको रिप्लाई होता या क्या रिएक्शन होता? देखिए धमकी क्या देते, मुझे मारने की धमकी, तो मैं कहती आ जाओ बॉम्बे मार दो मुझे आकर, मैं जय जोधपुर नहीं आऊँगी आपको बॉम्बे तो मतलब ये तो मजाक की बात है, लेकिन मैं उनसे यही बोलूँगी कि देखिए सबका अपना अलग अलग है, उनका समाज है और वो लोग उस चीज़ को पूजा करते हैं जो भी है, लेकिन सलमान की अगर बात आती है तो शायद हम कमज़ोर हो जाते हैं।